बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग रिपोर्ट की तैयारी भी कर रहे होंगे, उसकी प्रेजेंटेशन भी बना रहे होंगे। इनमें भी नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन होंगी, और नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि वो फिज़िकल हो, तो वो बड़ा अच्छा एक मौका है आपके लिए कि आप क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आवाज नहीं आ रही, फिर से किसी की आवाज नहीं आ रही जी। बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है जी। रिजवान, आप अपनी अपने एंड पर देखें, चेक करें कि क्या प्रॉब्लम है, स्पीकर में कोई प्रॉब्लम होगा। जरा चैट पे लिख दें, चैट फॉर एवरीवन, रिजवान के लिए लिख दें कि वो माइक या स्पीकर दोनों चेक कर ले। जी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, स्टॉक मार्केट में जब भी आप जाएंगे तो दो तरह के एनालिसिस होते हैं। जब भी इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दो तरह के एनालिसिस करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। जो आप लोग रिसर्च रिपोर्ट पे काम कर रहे हैं या जिन्होंने रिपोर्ट कंप्लीट कर ली है, उन्होंने देखा होगा कि वो ज़्यादातर वर्किंग जो कर रहे हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस पे कर रहे हैं, यानी कंपनी के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पे कर रहे हैं, कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन तमाम चीज़ों पे, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स पे, या जो कंपनी की तरफ से जो फाइनेंशियल डेटा प्रोवाइड किया जाता है और कंपनी की जो अर्निंग्स होती है उसके बेसिस पर जो है आप एनालिसिस कर रहे हैं और कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, और उसके बाद जाके देखते हैं कि ओवर वैल्यूड है अंडर वैल्यूड है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस ये होती है कि मार्केट जो है उसके अंदर किसी भी स्टॉक का या मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी मार्केट की पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए, मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए, मार्केट के अंदर वॉल्यूम को देखते हुए, मार्केट की टेक्निकलिटी को देखते हुए आप ये एनालाइज करते हो कि मार्केट में इन होना चाहिए या मार्केट से आउट होना चाहिए, या आपकी टेक्निकलिटी डिपेंड करती है। और ये टेक्निकलिटी जो है लोगों के अंदर आती है कि मार्केट की क्या ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं, वो आती है एक्सपीरियंस से, जो मार्केट में, स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टर्स के तौर पर कई अरसे से जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किए उन्होंने कुछ एनालिसिस किए और एनालिसिस के बेस पर उन्होंने कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, कुछ उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जिसकी बेसिस पर उन्होंने ये आइडिया लगाया है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है इस वक्त और फ्यूचर में मार्केट कहाँ जाने वाली है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट हिस्ट्री, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डेटा। तो मार्केट का डेटा या मार्केट की एक अपनी सेंटिमेंट्स होते हैं, अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊँ तो एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल ले लें कि मिसाल के तौर पर एक बार फिर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अंदर और मुस्लिम लीग नून जीत जाती है या पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो टेक्निकल जो पॉलिटिशियंस है वो क्या एनालाइज करेंगे या जो इकोनॉमिक्स है वो क्या एनालाइज करेंगे कि लास्ट जो मुस्लिम लीग नून की या नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर क्या क्या पॉलिसी थी। मे भी हो सकता है कि उन पॉलिसी को रिपीट किया जाए। समटाइम ये होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एनालिसिस आप उसको जो है ना प्रॉपर तौर पे जज कर पाते हैं, समटाइम जज कर पाते हैं, समटाइम नहीं कर पाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त जिसकी हुकूमत चल रही है, इमरान खान की हुकूमत चल रही है, तो पीटीआई की जो हुकूमत में जो जो पॉलिसीज हैं, जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इंटरेस्ट रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड चल रहा है इस वक्त, मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट जब पीटीआई की गवर्नमेंट आए तो उस वक्त भी यही ट्रेंड और यही चीज़ें जो है ना वो सामने चलती रहेंगी, क्योंकि हर गवर्नमेंट चलाने का एक स्टाइल होता है, हर बंदे का अपना स्टाइल होता है। ठीक है, इसी तरह स्टॉक मार्केट में भी कुछ टेक्निकलिटी होती है
स्टॉक मार्केट जो होती है हम कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ट्रेंड हम ये फ्यूचर का एनालाइज कर रहे होते हैं, वो कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में अगर आप देखने जाएंगे तो देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स जो इन्वेस्टर्स को इंडिकेट कर रहे होते हैं। ठीक है, क्या क्या इंडिकेशंस हैं, तो हम सिर्फ दो चीज़ों को इंडिकेशंस देखेंगे, दो चीज़ों को हम फोकस करेंगे जो मोर इम्पोर्टेंट मुझे नज़र आ रही है। आप लोग भी जब इन्वेस्टर के तौर पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में, तो और बहुत सारे इंडिकेटर्स या और बहुत सारे आइडियाज़ आपके जहनों में आएंगे कि यार इस वक्त ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ये चीज़ बेचनी चाहिए, इस वक्त मार्केट में एंटर होना चाहिए, इस वक्त मार्केट से निकल जाना चाहिए। यानी इन्वेस्टर्स जो है ना वो हर वक्त अपनी दो आंखें नहीं चार आंखें खुली रखता है, दो तो इसकी अल्लाह ताला की तरफ से जो आंखें दी गई, दो आंखें इसकी अकल के अंदर होती है जो वो इस्तेमाल करता है अकल को, और उसके बाद फिर वो एनालाइज करता है मुख्तलिफ चीज़ों को और वो डिसीजन ले रहा होता है। तो टेक्निकलिटी के तौर पर अगर कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है, तो आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उधर देखिएगा। टेक्निकल एनालिसिस की जो है ना इंडिकेटर्स क्या क्या हैं, नंबर वन पे अगर हम बात करते हैं तो वो है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या चीज़ है, इसके बारे में लिखा हुआ है, स्क्रीन आपको नजर आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, यस सर। RSI और ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या चीज है बता रहा हूँ, दैट इज डिजाइन टू मेजर अ स्टॉक मोमेंटम विच इज बोथ द स्पीड एंड साइज ऑफ द प्राइस चेंज। यानी स्टॉक या मार्केट या इंडेक्स, तीनों चीज़ों को एनालाइज करता है, वो मोमेंटम चेक करता है कि मार्केट का मोमेंटम क्या है, और मोमेंटम में वो दो चीज़ें देखता है कि मार्केट की स्पीड क्या है, यानी जो मार्केट में शेयर प्राइजेज हैं, मार्केट की प्राइस है उसके अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं उनकी स्पीड और उनकी साइज़ कितनी है, यानी कितनी चेंजिंग्स आ रही हैं और कितनी स्पीड से चेंजिंग आ रही है, उसको उस मोमेंटम को मेजर करने के लिए RSI कैलकुलेट किया जाता है। मेरे अल्फाज को मैं दोबारा अनदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ कि स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर्स या किसी भी इंडेक्स के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं, प्राइस के अंदर जो चेंजिंग्स आ रही हैं, उसकी साइज और उसकी स्पीड को मेजर करने के लिए RSI कैलकुलेट किया जाता है। क्लियर हो गई बात या नहीं? जी स्टूडेंट्स, क्लियर हुई? RSI क्या काम करता है सर? मार्केट का मोमेंटम बताता है। मार्केट का मोमेंटम बताता है, अगर किसी भी स्टॉक में प्राइस, स्टॉक की प्राइस चेंज हो रही है, वापस रिपीट कर दे, किसी भी स्टॉक की प्राइस जो चेंजिंग हो रही है उस चेंजिंग होने की स्पीड कितनी है और उसकी कितनी चेंजिंग आ रही है उसकी साइज बता रही होती है। लेट सपोज अगर एग्जाम्पल अगर हम कैलकुलेट नंबर्स में एग्जाम्पल देखें, तो अगर एक इंडेक्स की बात करते हैं KSE 100 इंडेक्स, इंडेक्स इस वक्त चल रहा है 48,000 पर, सही? लेट सपोज 48,000 इंडेक्स के जो है ना वो पॉइंट्स चल रहे हैं, आज उसके 48,000 है, कल हो जाते हैं 48,200, मुझे बताएं कितना चेंज आया, 200 चेंज आया? यस सर। एक दिन के अंदर 48,000 से 48,200 हो गए, तो 200 का जो चेंज आया इंडेक्स में, और 200 के चेंज आने में कितना चेंज आया और कितने दिन लगे, मे बी एक दिन लग सकता है, दो दिन लग सकते हैं, फिर 48,200 से नेक्स्ट डे मार्केट हो गई 48,600, यानी कितना चेंज आया, 200 से 600, 400 का चेंज आया। ठीक है, अब थर्ड डे या फोर्थ डे मार्केट हो गई 48,100, यानी अब देखिए मार्केट के अंदर जो चेंजिंग आ रही है ना इंडेक्स में, इंडेक्स के पॉइंट्स में जो चेंजिंग आ रही है, कभी इंडेक्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कभी नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इस इंडेक्स की मोमेंटम को चेक करने के लिए RSI कैलकुलेट किया जाता है, और उसकी बेसिस पर
आप ये एनालाइज करते हो कि मार्केट में कब एंटर होना चाहिए, यानी मार्केट से कोई चीज बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और मार्केट में अगर कब एग्जिट होना है, यानी मार्केट में माल बेच कर सेल कर कर आप कब एग्जिट हो सकते हैं। तो मार्केट में एंटर होना और मार्केट में मार्केट से बाहर निकलना, मार्केट में चीज खरीदना या बाय करना या सेल करना, ये आपको इंडिकेशन दे रहा होता है। मार्केट की मोमेंटम बता रहा होता है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की मोमेंटम बता रहा होता है। उस मोमेंटम की बेस पर आप डिसीजन लेते हो कि क्या करना चाहिए, खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए, या मार्केट में एंटर होना चाहिए या मार्केट से एग्जिट होना चाहिए। दो पॉइंट्स और लिखे हुए, जरा पढ़ते हैं इसको। मेनी इन्वेस्टर्स यूज दिस इंडिकेटर, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस इंडिकेटर को यूज करते हैं टू हेल्प आइडेंटिफाई वेदर ए स्टॉक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। यानी वो आइडेंटिफाई ये करते हैं इस इंडिकेटर को यूज करते हुए कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक या कोई पर्टिकुलर शेयर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिए हैं या बहुत कम लोगों ने, बहुत ज्यादा लोगों ने सेल कर दिए। देखिए मार्केट का मोमेंटम ये होता है, हमेशा याद रखिएगा, मार्केट एक हद तक ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है। ऐसा नहीं हो मार्केट ऊपर जा रही है, या किसी भी शेयर प्राइस की एग्जाम्पल ले ले, डेली बेसिस पर वो ऊपर जा रहा है। तो शेयर प्राइस अप तो हो रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है उसके अंदर डिक्लाइनिंग पोजीशन भी आती है। तो डिक्लाइनिंग पोजीशन में भी यही कैटेगरी है कि मार्केट एक हद तक नीचे जाएगी, मार्केट भी नीचे एक हद तक जाएगी और कोई शेयर्स भी नीचे एक हद तक जाएगा, उसके बाद वो मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मार्केट जो है ना बिल्कुल एक तरीके से बिजनेस साइकिल की तरह है, या मार्केट बहुत ऊपर जाएगी तो एक लिमिट तक ऊपर जाएगी, उसके बाद आके वो नीचे उसको आना है। यानी आप ग्राफिकल पोजीशन देखें, नीचे मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया हुआ है, ये ग्राफ कॉपी किया हुआ है कहीं से, ये देखें मार्केट की पोजीशन, यहां से देखिएगा स्टार्टिंग से, ये आपको ग्राफ नजर आ रहा है, एक रफली देखिएगा मार्केट ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा सा जोल करके नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर एक जगह पर स्टेग्नेट हो गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे, इस तरह होते। तो मार्केट में एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि मार्केट अपने आप को ऊपर भी रखती है। इसी तरह कोई भी स्टॉक मार्केट या कोई भी शेयर्स आप देखेंगे कि उसकी शेयर की प्राइसेस जो होती हैं, उसका ट्रेंड जो होता है, ऐसा नहीं होगा कि हर वक्त ऊपर ही ऊपर रहेगा। ऊपर रहने के बाद कुछ टाइम के बाद वो मार्केट में ट्रेंड ऐसा नीचे की तरफ भी आता है, फिर जोल आती है मार्केट में, जोल आने के बाद या शेयर्स में जोल आने के बाद फिर वो ऊपर जाती है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मेनी इन्वेस्टर्स यूज दिस इंडिकेटर, यानी RSI के इंडिकेटर को यूज करते हैं टू हेल्प आइडेंटिफाई वेदर ए स्टॉक इज ओवरबॉट और ओवरसोल्ड। यानी स्टॉक अगर ओवरबॉट हो गया है, ज्यादा लोगों ने खरीद लिया है, तो एक वक्त तक तो अगर मार्केट में बाइंग डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी स्टॉक की, लेट सपोज किसी एक शेयर्स की बाइंग डिमांड बढ़ गई, लोग ज्यादा खरीदार जो है ना बहुत ज्यादा पहुंच गए, इन्वेस्टर बहुत ज्यादा उस शेयर्स को खरीदने के लिए पहुंच गए, तो जब खरीदेंगे बाइंग करेंगे तो उस शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी और उसकी शेयर्स की प्राइस ऊपर चली जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ऊपर जाएगी क्योंकि वो ओवरबॉट हो गए। ओवरबॉट का मतलब बहुत ज्यादा खरीदे गए, फिर उसके बाद वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में जाएगा। तो एट द टाइम ऑफ ओवरबॉट आपके लिए सिग्नल मिल जाएगा कि आप इस मार्केट से निकल जाए क्योंकि अब मार्केट नीचे आने वाली है। उसके ऑपोजिट ओवरसोल्ड देखें, मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि एक वक्त तक किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स जो है वो सेल होते रहेंगे। जैसे ही मार्केट में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर सेल होते हैं तो उसकी मार्केट की प्राइस नीचे आ जाती है, मार्केट प्राइस नीचे एक हद तक आती है। फिर मार्केट में जब ओवरसोल्ड हो जाते हैं, ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि शेयर्स बहुत ज़्यादा सेल हो गए हैं और मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है, तो ओवरसोल्ड होने के बाद ये है कि अब लोग उसको खरीदेंगे दोबारा से। ओवरसोल्ड का मतलब है बहुत ज़्यादा सोल्ड हो गए, तो सोल्ड होने के बाद एक वक्त मार्केट में जब प्राइस नीचे आ जाती है तो ओवरसोल्ड एक सिग्नल देता है कि अब मार्केट ऊपर जाएगी या ये वाला शेयर ऊपर जाएगा, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है, अब ये ऊपर जाएगा, अब आप बाय कर लो, अब आप खरीद लो। जब आप खरीदोगे तो ऑटोमेटिकली वो शेयर्स जो है वो ऊपर चले जाएंगे। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जो है आपको कब पता लगेगा, जब ये RSI कैलकुलेट करेंगे। तो RSI कैलकुलेट करने के बाद आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड
आपको पता लग जाएगा और ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के बेस पर आपको ये इंडिकेटर इंडिकेशन मिलेगा कि अब मार्केट में एंटर होना चाहिए और कब मार्केट से एग्जिट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन इट कुड हेल्प डिटरमाइन पोटेंशियल एंट्री एंड एग्जिट ट्रेडिंग सिग्नल्स, किस वक्त मार्केट में एंटर होना है और किस वक्त मार्केट से निकलना है, यह आपको सिग्नल्स दे रहा होता है या आपको एक इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा होता है RSI। हमें RSI की बात कर रहा हूँ। अब RSI कैलकुलेट करने का एक तरीका है, RSI के लिए कैलकुलेट करने का तरीका ये है, पहले मैं RSI की एक वो बता दूँ, ओवरसोल्ड कब होता है, ओवरबॉट कब होता है। जरा आपके सामने नीचे एक ग्राफ बना हुआ है, जरा देखिएगा। ग्राफ के अंदर दो पोजिशंस हैं, एक ग्राफ ऊपर की तरफ बना हुआ है और एक ग्राफ नीचे की तरफ बना हुआ है ब्लू कलर में। नजर आ रहे हैं आप लोगों को ब्लू कलर में ग्राफ? यस सर। यस सर। अच्छा, ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है ब्लू कलर का जो ग्राफ है, यानी प्राइस ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे जा रही है, नजर आ रहे हैं ना मार्केट का ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर नीचे जो है ना हॉरिजॉन्टल लाइन बनी हुई है उसमें मंथ है, मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नजर आ रहा है आपको? यस सर जी। अब यहां पर दो लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दी 30% पर और एक लाइन ड्रॉ कर दी 70% पर। ये 30% और 70% क्या चीज है जरा मैं बता दूं, मार्केट जो है वो 0% से लेकर 100% के अंदर घूमती रहती है ना, कभी भी ऐसा तो नहीं है 101% हो जाएगी मार्केट, या बहुत मैक्सिमम होगी तो उसको हम 100% कंसीडर करेंगे, जो सबसे मिनिमम होगी उसको हम 0% कंसीडर करेंगे। तो मार्केट में एक सर, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम हो गई है मार्केट? यार पास्ट ट्रेंड को देखते हुए हम एक फिनोमेना देख लेंगे कि ये मार्केट का जो है ना मैक्सिमम लेवल है और ये मिनिमम लेवल है, तो उसको मिनिमम लेवल को हम 0% कर देंगे और मैक्सिमम लेवल को 100% कर देंगे पास्ट ट्रेंड को देखते हुए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में हम पास्ट ट्रेंड को देखते हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर आपने जो है ना वो एक साल का डेटा ले लिया, तो एक साल में आपने मिनिमम और मैक्सिमम रेट देख लिया किसी भी स्टॉक का या मार्केट के इंडेक्स का, ठीक है। अच्छा, आपने क्या कर दिया, आप RSI जो कैलकुलेट करते हैं ना वो RSI आपको ये बता रहा होता है कि मार्केट जो है वो 0 से लेकर 100% में कब कब मूव गई, 0 से लेकर 100% के अंदर कितनी मूवमेंट की है इसने। ये जो ब्लू कलर की लाइन नीचे वाली नजर आ रही है ना, ये RSI है आपकी, ये RSI की लाइन है, ऊपर एक्चुअल मार्केट की जो है ना लाइन बनी हुई है कि मार्केट जो है वो इतनी अप गई है इतनी नीचे गई है, और ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ना नीचे वाली लाइन, नीचे वाला ग्राफ ब्लू कलर में, ये RSI कैलकुलेट करके ग्राफ बनाया गया है। RSI किस तरह कैलकुलेट करते हैं अभी मैं बता दूंगा, लेकिन ये तकरीबन आपको जो है अप्रैल, मई, जून, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 महीने का ग्राफ बना हुआ है, पिछले 8 महीने का RSI कैलकुलेट किया हुआ है और RSI की बेसिस पर ये ग्राफ बना हुआ है। इस पर आपने दो क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिए, एक 30% पर और एक 70% पर, और आपने ये 70% और 30% किया है, ये एक स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है कि आप ये डिसाइड करते हो कि अगर RSI 30% से बिलो होगा तो उसका मतलब, 30% से बिलो होने का मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर शेयर्स बहुत ज़्यादा सेल हो गया मार्केट में, और सेल होने का मतलब ये है कि उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई है। अब वो 30% पे आपको क्या करना चाहिए, 30% से अगर बिलो चले जाएगा RSI 30% से बिलो चले जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये ओवरसोल्ड हो गए हैं, अब आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में माल बिक गया है, अगर आप इसको आज खरीदेंगे तो ये इन फ्यूचर वो आपको क्या देगा, बेनिफिट देगा, इन फ्यूचर आपको वो उसकी प्राइस ऊपर जाएंगी। ओवरसोल्ड का मतलब ये है कि अब बहुत ज़्यादा नीचे आ चुका है, अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इससे ज़्यादा मार्केट में सेल नहीं हो सकती चीज़। इसको आपने 30% पे एक रेंज बना दी, ये लोअर रेंज कहलाती है, और एक होती है अपर रेंज। अपर रेंज आपने बना दी 70%, जिसको हम कहेंगे ओवरबॉट। ओवरबॉट का मतलब ये है कि मार्केट जो है वो 70% तक जा रही है तो ठीक है, अगर 70 से ज़्यादा जा रही है तो लोगों ने ज़्यादा शेयर्स बाय कर लिए हैं, अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी बल्कि अब मार्केट नीचे आएगी,
मार्केट नीचे आने का मतलब ये है कि आप वहां पर जो है वो सेल कर दें, ओवरबॉट यानी ज्यादा लोगों ने खरीद लिए हैं तो वहां पर आप सेल कर दें। इन फ्यूचर अपकमिंग डेज में मार्केट नीचे आने वाली है, मार्केट नीचे आने वाली है इसका मतलब शेयर प्राइस नीचे आएगा और आप नुकसान उठाएंगे। तो ओवरबॉट पर आपको क्या करना है, ओवरबॉट जो है वो 70% पर आपने एक रेंज बना दी और ओवरसोल्ड 30% पर आपने एक रेंज बना दी। 30% और 70% के इन बिटवीन आप मार्केट जो है ना वो घूमती रहती है। नॉर्मल रेंज मार्केट की जो रेंज होती है ना वो 30% से 70% में नॉर्मली घूमती रहती है। अगर मार्केट 70% को क्रॉस कर ले तो आपको ये अज्यूम करना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है शेयर्स। अब यहाँ पर हम मार्केट जो हमारे पास शेयर्स रखे हुए हैं हम उसको सेल कर दें क्योंकि अब मार्केट नीचे आने वाली है। और ओवरसोल्ड पर आपको ये इंडिकेशन मिलेगा, आपको ये सिग्नल मिलेगा कि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्केट में शेयर सेल हो गए हैं, अब मार्केट से जो है ना वो आप मार्केट में एंट्री करने का वक्त है और वहाँ आप शेयर्स जो है ना बाय कर लें क्योंकि इन फ्यूचर अपकमिंग डेज में मार्केट ऊपर आने वाली है। ठीक है, तो RSI जो है वो कैलकुलेट करने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। मार्केट ऊपर कब आने वाली है, आवाज थोड़ी समझ में नहीं आई थी जी, दोबारा सुन ले। देखें ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये RSI कैलकुलेट करने के बाद ये लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, लाइन ड्रॉ करना क्या है, ये एक्सेल पे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं और मुख्तलिफ एप्लीकेशन है उसके थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब RSI की जो कैलकुलेशन का जो आंसर आएगा ना वो आपको 0 से लेकर 100% का आंसर आएगा, लेकिन नॉर्मली आपकी रेंज जो होगी ना वो 30% और 70% की रेंज होगी। 30% मिनिमम रेंज होगी और 70% मैक्सिमम रेंज होगी। यानी अगर मार्केट में RSI आपने कैलकुलेट किया है और RSI का आंसर 30 से बिलो आ रहा है तो इसका मतलब ये आपको देखना है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा शेयर सेल हो गए हैं। अब ज़्यादा सेल नहीं होंगे, मार्केट प्राइस ऑलरेडी नीचे आ चुकी है लेकिन अब फ्यूचर में अपकमिंग डेज में वो प्राइस ऊपर जाने वाली है। देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ओवरबॉट 70% से ऊपर जा रही है मार्केट। अब इससे ज्यादा लोग नहीं बाय करेंगे, अब लोग सेल करना शुरू करेंगे। जैसे ही सेल करना शुरू करेंगे मार्केट नीचे आएगी तो आप भी वहां पर सेल कर दें। जैसे ही मार्केट ओवरबॉट पोजिशन पर आ जाए 70% RSI कैलकुलेट आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आपका कैलकुलेशन आ रहा है 70% RSI कैलकुलेट किया आपने, आपका आंसर आ रहा है 70% या 70% से ज़्यादा आ रहा है तो उस वक्त आप मार्केट से निकल जाएं, आप शेयर्स जो है ना बेच दें। बेचने का मतलब ये है कि मार्केट अब नीचे आने वाली है, ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा खरीदारी हो गई हो, ओवरबॉट हो गया है। जब आपको ये सिग्नल मिले RSI आपका बहुत नीचे आ रहा है, RSI 30% से नीचे आया हुआ है, RSI कैलकुलेट किया, ठीक है RSI कैलकुलेट किया और उसका आंसर आ रहा है 28%, लेट सपोज 28% आ रहा है तो 28% का मतलब ये है कि RSI 30% से बिलो हो गया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केट में शेयर्स बेच दिए हैं, ओवरसोल्ड हो गए हैं। अब आप क्या करें कि मार्केट में बाय कर लें, खरीदारी कर लें क्योंकि अपकमिंग डेज में मार्केट ऊपर आने वाली है। ठीक है, यानी आपका RSI जब भी 30% से बिलो होगा तब आप क्या करेंगे, बाय करेंगे, मार्केट में एंटर होंगे। अगर आपका RSI 70% से ग्रेटर होगा तो आप क्या करेंगे, सेल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चले गई है, अब नीचे आने वाली है। सर अगर इनके मिड में रहे तो फिर क्या होल्ड करेंगे, होल्डिंग पोजीशन? हाँ, अगर 70% और 30% के मिड में RSI आपका कैलकुलेट होकर आ रहा है तो उस वक्त आप होल्ड कर लें या उस वक्त आप जो है वो डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। डे ट्रेडिंग का मतलब ये है कि डेली बेसिस पर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, RSI इज वन ऑफ द इंडिकेटर, इसके अलावा और बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। RSI इज वन ऑफ द इंडिकेटर। की बात नहीं है, समझा नहीं। जी बेटा माइक म्यूट कर दे जरा, इसका माइक ऑन है। ये क्लास में जो CR है ना वो जरा देख लें कि स्टूडेंट्स वक्त कितने मौजूद हैं, उसकी अटेंडेंस नोट कर लें। सर कर ली। ठीक है, थैंक यू। अच्छा आप RSI कैलकुलेट किस तरह करते हैं? RSI कैलकुलेशन करने का तरीका ये है, ये फॉर्मूला लिखा है RSI कैलकुलेट करने का। RSI इज इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट में 100 लिखेंगे, 100 डिवाइड बाय 1 प्लस RS, ये फॉर्मूला है RSI कैलकुलेट करने का। RSI किसे कहते हैं दोबारा बता दूं, RSI इज रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। फॉर्मूला क्या है ये आपके सामने लिखा हुआ है। इस फॉर्मूले में RS का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ, और रिलेटिव स्ट्रेंथ किस तरह कैलकुलेट करेंगे, एवरेज गेन को एवरेज लॉस से डिवाइड करेंगे।
ठीक है। अब ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस किस तरह कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको एक्सेल में कैलकुलेट करके बता दूं। मैं ये वाला ये वाली चीज कॉपी कर रहा हूँ एक्सेल के अंदर। जी कैलकुलेशन एक्सेल की शीट नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर। आरएसआई कैलकुलेट करने का तरीका ये आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको आरएस कैलकुलेट करना पड़ेगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और रिलेटिव स्ट्रेंथ आपका फॉर्मूला है रिलेटिव स्ट्रेंथ का एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, यानी कितना आपको गेन हुआ और कितना आपको लॉस हुआ। गेन से लॉस को डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा। और आप कितने दिन का आरएसआई कैलकुलेट करेंगे? 14 दिन का, ठीक है, 14 डेज का कैलकुलेट करेंगे मिनिमम। मैक्सिमम 14 दिन का भी चीज निकलेगी ना, या तो लॉस होगा या तो नहीं। लास्ट 14 डेज को बेस बनाते हुए आप फ्यूचर की फोरकास्टिंग करेंगे, आरएसआई कैलकुलेट करेंगे 14 डेज। सर आवाज गायब हो गई आपकी। जी आप 14 डेज का एवरेज निकालेंगे, यानी जो लास्ट 14 दिन की प्राइस होगी, शेयर प्राइस होगी, उसको आप कितना फ्लक्चुएट हुआ है लास्ट 14 डेज में, कितना फ्लक्चुएट हुआ है आप वो देखेंगे। ये मिनिमम है, मैक्सिमम ये 14 डेज, मैक्सिमम आप 28 डेज भी डेज होंगे ना, मतलब उसमें कोई हॉलिडे वगैरह ना इंक्लूड हो। नहीं सर, अगर वो सिर्फ देखिए मेरे हाई की तरफ गया हो तो फिर इंडेक्स देख लें, स्टॉक देख लें, ऐसा कभी भी नहीं है कि 14 के 14 दिन जो है वो हाई रहा हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 14 गया होगा माना, पर सर वो फिर लो के बाद फिर हाई मारा, अगर टोटल 14 दिन का एवरेज निकाले तो वो हाई पे ही हो तो फिर हाँ, तो फिर आप 28 डेज का एवरेज निकाल लें। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मिनिमम 14 दिन का आपको निकालना है एवरेज, तब जाके आपको पता लगेगा कि एवरेज गेन कितना हुआ है मार्केट में और एवरेज लॉस कितना हुआ है। आपको नहीं, मार्केट ने उस प्राइस जो है, मार्केट के अंदर शेयर प्राइस है या इंडेक्स है, वो 14 दिन के अंदर कितना ऊपर गई कितना नीचे आई, मतलब हमें अपने तो उसकी होल्डिंग्स की नहीं करनी ना एवरेज निकालनी, जो शेयर जो चल रहा है नहीं जो मार्केट में प्राइस चल रहे हैं उसकी 14 दिन की आपको एवरेज ले लेनी है। अब किस तरह लेंगे जरा देखते हैं। मिनिमम 14 दिन, आप 28 दिन का भी ले सकते हैं, 6 महीने का भी एवरेज ले सकते हैं, डिपेंड करता है। सर एक बार सर ये करके बता दें तो। हाँ मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ आरएसआई। देखिए सबसे पहले तो आपको आरएसआई कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको मैं इंडेक्स का कैलकुलेट करता हूँ, मैं किसी शेयर प्राइस का कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इंडेक्स का कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने ये डेटा उठा लिया है इस वेबसाइट से, जरा वेबसाइट भी बता दो कौन सी वेबसाइट है। ये वाली वेबसाइट है, मुख्तलिफ वेबसाइट है, आप वहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वहाँ से भी डेटा उठा सकते हैं। ये है DPS, डेटा पोर्टल वेबसाइट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। वहाँ से आप जाएंगे डेटा पोर्टल में, आ जाएंगे हिस्टोरिकल डेटा, मार्केट के अंदर जाएंगे, मार्केट के अंदर हिस्टोरिकल डेटा आपके पास आ जाएगा। हिस्टोरिकल डेटा को आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि किस कंपनी का आपको डेटा चाहिए। लेट सपोज आपने जो है वो निकाल लिया लकी सीमेंट का, ये आ गया लकी सीमेंट। ये तो हमारी वाली कंपनी। हाँ कोई भी निकाल लें, किसी भी कंपनी का निकाल लें। और कौन से मंथ का चाहिए आपको डेटा? लेट सपोज आपको मंथ ऑफ मई का चाहिए, ठीक है, ईयर 2021 पूरे आपको एक महीने का डेटा मिल जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एक महीने का डेटा आ गया पूरा। जब जब मार्केट ओपन हुई है उस 3 तारीख को मार्केट ओपन थी, 4 तारीख को थी, 5 तारीख को थी, 6 तारीख को थी, तो आप मिनिमम 14 दिन का डेटा और मैक्सिमम एक महीने का भी ले सकते हैं। और इस नहीं, मैक्सिमम आप कितने हैं, 6 महीने का भी ले सकते हैं और 1 साल का भी ले सकते हैं हिस्टोरिकल डेटा, ठीक है। अच्छा आपको ये क्लोजिंग प्राइस चाहिए। क्लोजिंग प्राइस का मतलब है कि किस पर्टिकुलर डे में उसकी क्लोजिंग प्राइस क्या थी, ठीक है, आपको ये क्लोजिंग प्राइस चाहिए। मैंने जो है ना ये क्लोजिंग प्राइस निकाल ली है, मैंने इंडेक्स की निकाली है, KSE 100 इंडेक्स, याद रहा देखिएगा। मैंने जो ये कैलकुलेट की है, ये जो मेरे पास डेटा मौजूद है एक्सेल में, वो है इंडेक्स का, ये लिखा हुआ है KSE 100 इंडेक्स पॉइंट्स। मैंने 100 इंडेक्स के पॉइंट्स निकाल लिए मैंने, और वो क्या चाहिए मुझे, क्लोजिंग चाहिए ना, क्लोजिंग डेटा चाहिए। मैंने क्लोजिंग डेटा यहाँ कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ निकाल लिया है, नजर आ रहा है आपको डेट और क्लोजिंग? हाँ सर आ रहा है। ठीक है, अब ये दो चीजें आपने जो है ना आपको चाहिए, एक तो डेट
और क्लोजिंग पॉइंट्स कितने थे 100 इंडेक्स के। मैंने पूरी मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं, मैं किसी पर्टिकुलर शेयर्स को एनालाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसआई कैलकुलेट करूंगा मार्केट का, स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स का करूंगा कैलकुलेट। आप लोग किसी पर्टिकुलर शेयर्स का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि मेरे पास ये डेटा है 1st जुलाई 2019 का डेटा है मेरे पास, 1st जुलाई 2nd जुलाई 2019 3rd जुलाई 4th जुलाई 2 साल पुराना डेटा है मेरे पास, ठीक है। उसकी इंडेक्स की पॉइंट्स, इंडेक्स के जो क्लोजिंग पॉइंट्स थे वो मैंने ले लिए, 33,996, 34,307, ये मेरे पास क्लोजिंग प्राइस आ गई हैं, क्लोजिंग पॉइंट्स आ गए हैं इंडेक्स के, 100 इंडेक्स के, ठीक है। ये मैंने वहां से उठा ली वेबसाइट से। अच्छा, अब मैं देखना ये चाह रहा हूँ कि मुझे कैलकुलेट करना है एवरेज गेन और एवरेज लॉस। मेरे पास यहाँ कॉलम नजर आ रहे हैं एवरेज गेन और एवरेज लॉस के, ये वाले आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, सब नजर आ रहा है जी, नजर आ रहे हैं ना आप लोगों को, ठीक है। ये एवरेज गेन और एवरेज लॉस किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं जरा मैं बता दूंगा अभी। मेरे ख्याल में ये क्या गेम है, इसको थोड़ा शेडेड कर दूं। ठीक है, और यहाँ इस वाले में हमने आर एस कैलकुलेट किया है, और लास्ट वाले में हमने आर एस आई कैलकुलेट किया है। ठीक है, अच्छा अब ये मैंने किस तरह निकाला है जरा मैं दोबारा से निकाल के बता देता हूँ सारी चीजें। ये तो आपके सामने ऑलरेडी डेटा बना हुआ है ना, तो मैं दोबारा निकाल के बता रहा हूँ। ये तो बहुत लंबा डेटा है मेरे पास, 1 साल का डेटा है, 2019 से 2020 तक का डेटा है मेरे पास, मैं दोबारा कैलकुलेट करके बता देता हूँ जी। आपके सामने ये क्लोजिंग प्राइस नजर आ रही है 34,000, 33,000, और आपके पास डेट नजर आ रही है, ठीक है। मैं चेंज निकाल रहा हूँ, सबसे पहले चेंज निकालने का मतलब ये है कि 2 तारीख जो आपकी क्लोजिंग प्राइस थी उसको माइनस कर दें पहली तारीख की प्राइस से, 1st जुलाई, 2nd जुलाई को 1st जुलाई से अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास चेंज आ जाएगा, वो चेंज आ रहा है 311, यानी पॉजिटिव चेंज है, यानी मार्केट प्लस हुई है, ठीक है, 311 पॉइंट से मार्केट प्लस हुई है। आप इसको कॉपी कर लें नीचे तक, ये मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। अब ये देखें जो 311 ये पॉजिटिव चेंज है, ये फिर पॉजिटिव चेंज है, फिर नेगेटिव चेंज है, फिर नेगेटिव चेंज है, फिर नेगेटिव चेंज है, फिर पॉजिटिव चेंज है, फिर नेगेटिव चेंज है, इस तरह मार्केट जो है 100 इंडेक्स जो है वो प्लस भी हुआ है माइनस भी हुआ है। अब आप एक फॉर्मूला लगाएंगे गेन के लिए, फॉर्मूला लगाएंगे इफ अगर ये वाला 311 जो है अगर पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो, अगर जीरो से ग्रेटर है तो आप इसको जो है वो लिख दें अदरवाइज जीरो। ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया है इफ करके, ये गेन आ गया, ठीक है। अच्छा, इसी तरह जहां पर गेन होगा वो नोट कर लेगा, जहां पर लॉस होगा उसको भी वो नोट कर लेगा, ठीक है। अब गेन हुआ तो इसने नोट कर लिया 311 यहाँ गेन हुआ है, फिर 590 का गेन हुआ है, फिर यहाँ देखिए लॉस हुआ है, माइनस में चेंज आ रहा है ना 326, तो यहाँ पर इसने जीरो लिख दिया, ठीक है। गेन के कॉलम में प्लस में लिख देगा और लॉस के कॉलम में लॉस लिख देगा। अब जरा यहाँ पर भी यही फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ सारा, इफ अगर ये वाला कॉलम जो है वो लेस देन जीरो है, एक मिनट, लेस देन जीरो है तो आप इसको लिख दें, लेस देन जीरो है तो लिख दें जो वैल्यू लेस देन जीरो की है, अदरवाइज जीरो लिख दें। ये इफ वाला फॉर्मूला है, एक्सेल में लगता है। अब देखिए यहाँ जीरो आने का मतलब ये है कि अगर नेगेटिव में चेंज आएगा तो लॉस में वैल्यू आएगी, अगर पॉजिटिव चेंज आ रहा होगा तो लॉस में जीरो लिखा हुआ आ जाएगा, सही है।
इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ नीचे तक, ज्यादा नीचे तक कॉपी नहीं कर रहा हूँ ताकि यहाँ तक समझ में आ जाए आपको। जी क्लियर हो गई बात? अब देखें यहाँ पर 326 का आपको लॉस हुआ है, ये देखें आपको 326 का नेगेटिव चेंज आ रहा है, आपको नजर आ रहा है आप लोगों को स्टूडेंट्स? तो जहां लॉस हुआ है आपको ये लॉस के कॉलम में आ गया, जहां गेन हुआ है आपके गेन के कॉलम में आ गया, ठीक है। अब आपको कितने दिन का मिनिमम, कितने दिन का आपको लेना है एवरेज? 14 दिन का एवरेज लेना है ना, 14 डेज का मिनिमम। मैक्सिमम आप कितने दिन का भी ले सकते हैं, एक साल का भी ले सकते हैं, दो साल का भी ले सकते हैं। अब 14 दिन का आपको चेंज निकालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये 14 डेज आपके पास यहाँ पर आ रहा है, सही है। यहाँ पर आप इसका एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने का तरीका इज इक्वल टू, आप लिखेंगे एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जो है वो पहले गेन का एवरेज निकालेंगे, ये एवरेज ब्रैकेट बंद करेंगे, ये एवरेज आ गया गेन का, गेन का एवरेज आ गया 87.29। इसी तरह आप जो है वो कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मैं लॉस का एवरेज निकाल रहा हूँ, लॉस का एवरेज आ गया 197.07, ठीक है। ये गेन आया 14 डेज पर आया, एवरेज का गेन आ गया और ये 14 डेज का आपने एवरेज ले लिया लॉस, क्या आपके 197.07 लॉस हुआ है एवरेज और 87.29 पॉइंट्स जो है वो गेन हुआ है, 14 दिन का मैंने एवरेज लिया है। RSI कैलकुलेट, एवरेज गेन और एवरेज लॉस आ गया, RS कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, एवरेज गेन को एवरेज लॉस पर डिवाइड कर दें, एवरेज गेन को, ये एवरेज गेन को डिवाइड कर दें एवरेज लॉस पर, आंसर आया आपके पास 0.44 आ गया। अब आप RSI कैलकुलेट करेंगे, लेकिन RSI कैलकुलेट करने से पहले मैं यहाँ पर मीटिंग एंड करनी पड़ेगी क्योंकि 40 मिनट्स ऑलमोस्ट हो चुके हैं, दोबारा से 2 मिनट के अंदर क्लास स्टार्ट होगी, तो हम दोबारा से क्लास को 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, RSI कैलकुलेट करेंगे। अरे आप तो एंड टाइम पे आप बंद करके जा रहे हो। नहीं नहीं अभी 2 मिनट में आ रहे हैं दोबारा से, तो RSI निकाल के निकल लो ना सर, ये सही हो जाए।